मुगल काल में चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथियों के साथ ढोल मंजीरों को लेकर सड़क पर आमजन के बीच जाकर हरे राम हरे कृष्ण की धुन के साथ एक धारा प्रवाहित की थी, जिसे आज इस्कॉन मंडली बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ा रही है। 14वीं शताब्दी के अंत व 15वीं शताब्दी की शुरुआत में जब भारत विदेशी आक्रांताओं से अपनी संस्कृति व धर्म की रक्षा के लिए जूझ रहा था, तब चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति काल के दौरान गौड़िया संप्रदाय की स्थापना कर इस धारा को प्रभावित किया। मकसद था एकजुटता से सनातन धर्म की रक्षा करना। उन्होंने मुगल काल में विध्वंस हो चुकी वृंदावन नगरी का भी जीर्णोद्धार कराया। अब हालात बदल चुके हैं। उनकी प्रेरणा से देश विदेशी श्रद्धालु इस मत से इस्कॉन के नाम से जुड़े हैं। वह देश विदेश में अनेक जगह व्यापक स्तर पर अनेक स्थान बन रहे हैं, जहां उसी की तर्ज पर आम जन के बीच जाकर वे सड़क पर हरि नाम संकीर्तन की धुन पर नाच गाना गाकर प्रेम व भाईचारा का संदेश दिया जा रहा है। पीतल नगरी के मॉडल टाउन में भी इस संस्था ने स्थान बना रखा है। वे अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी के तहत रविवार को इस्कॉन मंडली की ओर से बीएमजी मॉल के सामने हरिनाम संकीर्तन किया गया। आइए आप भी देखिए और सुनिए इन्हीं के शब्दों में। हरे कृष्णा, हम इस मंदिर के इस्कॉन के छोटे से सेवक हैं, सुरेंद्र खंडेलवाल नाम है मेरा, और ये प्रसादम का हमारा हर सैटरडे संडे को रहता है। सैटरडे को डिवोटी जहाँ चाहे, जिसका बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, तो उसके उस स्थान पर हम बांट देते हैं, लेकिन संडे का हमारा बीएमजी मॉल फिक्स है और यहाँ पर भी कई डिवोटी बंटवा देते हैं। और हमारे प्रभुपाद जी का ये कहना है कि प्रसादम रेगुलर चलता रहना चाहिए। प्रसादम खाएंगे तो इस दुख से, जो कलयुग में दुख चल रहा है, उससे कुछ राहत मिलेगी। और चैंटिंग और हरे कृष्णा महामंत्र इतने गजब है, जो भी करेगा ना तुझे वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा। और अभी हमारा भागवत का प्रोग्राम भी है 15, 16, 17 अगस्त का अग्रवाल भवन में। उससे पहले जो अग्रवाल भवन में ये तो प्रोग्राम रहेगा ही, वृंदावन में जो भी प्रोग्राम इस्कॉन के होते हैं वो सारे रेवाड़ी में होंगे। और झूलन जो ठाकुर जी को झुलाया जाता है वो 8 से 12 है। 12 तारीख को बलराम जी का बर्थडे मनाया जाएगा, 19 तारीख को जन्माष्टमी मनवाई जाएगी और 20 तारीख को प्रभुपाद जी का बर्थडे मनाया जाएगा। तो ये सब रेगुलर क्लासेस, संडे को हमारी रेगुलर क्लासेस रहती हैं 11 बजे, 2 बजे यूथ के लिए, 4 बजे क्लासेस, फिर 5 बजे। गीता के हिसाब से समझाया जाता है कि इस कलयुग में कैसे जिया जाए, क्योंकि हर आदमी दुखी है, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। तो इस वजह से उन सब को हम इस्कॉन से जोड़ना चाहते हैं और उनको आनंद आएगा। और वो अब, और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रभु जी जो मंगला आरती होती है 4:30 बजे की ना, तो उसके लिए आदमी को 3:30 बजे उठना पड़ेगा, तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इतना औरों की तो बात क्या, मेरी 11 साल पुरानी दवाई बंद हो गई, तो किस वजह से सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने से, मंगला आरती में आने से। तो इतना अच्छा लगता है क्योंकि हमारे ना शास्त्रों में बताया कि मॉर्निंग में उठिए तो आपके सब बीमारियों से दूर हो जाएंगे। तो आज के युग में भक्ति से जुड़ जाओ आप, क्योंकि कलयुग और आने वाला है। अभी तो कलयुग कुछ भी नहीं है, अब एक दूसरे को मार काटेंगे, मतलब इतने आप देखो कितने न्यूज़ आती है पेपर्स में, तो वो सब भक्ति से जुड़ेंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। मेरा नाम जगत बंधु जयदेव, हमारा जो मोटिव है स्वान का हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में ही सारी शक्ति है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है हे राधा रानी, हम राधा रानी को प्रे करते हैं कि हमारे को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा तभी हो सकती है जब हम जन जन तक हरिनाम का प्रसाद, हरिनाम का नाम वितरण करें। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि हरिनाम को अपनाएं, हरे कृष्ण मंत्र। हरे हरे कृष्णा, मेरा नाम देवेंद्र यादव है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है कि मैं आपको बताना चाहूँगा तो मेरे सब छोटे पड़ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व, पूरा संसार सिर्फ एक माध्यम पर टिका हुआ है और जिसको सभी शास्त्रों ने भी माना है, वो है भगवत गीता। हमारा इस्कॉन जो है वो सिर्फ भगवत गीता के आधार के ऊपर अपना जो है, आज जो दुनिया में कलयुग फैला हुआ है, जो पाप फैला हुआ है, उस अंधकार को मिटाने का माध्यम है। और इसके अंदर हम संकीर्तन करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि बीएमजी मॉल में हम संकीर्तन कर रहे हैं, और इस संकीर्तन में रेवाड़ी के लोगों को भी मौका मिल रहा है और बीएमजी मॉल के मालिक को भी हम धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग से आज ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस्कॉन टेम्पल या इस्कॉन कृष्ण भावना अमृत जिसको बोलते हैं, ये प्रभुपाद जी द्वारा बनाई गई संस्था थी
जो कि न्यूयॉर्क शहर में वहाँ के जो हिप्पीज लोग थे, यानी कि जिसके सामने सरकार ने भी अपना बच्चा टेक किया था, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, उनमें इतनी कमियाँ और इतने उनके अंदर ऐब थे, लेकिन भक्ति ने श्री कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस नाम ने और प्रभु के प्रसाद ने ऐसा कमाल कर दिया कि प्रभात आज न्यूयॉर्क शहर में भी प्रभुपाद का विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल बना हुआ है और कृष्ण भगवान की वहाँ पे आज भी पूजा अर्चना होती है। हरे कृष्णा। आज खिचड़ी प्रसादम का वितरण है और हर संडे को बीएमजी माल में और हर शनिवार को शहर के किसी भी भाग में खिचड़ी का वितरण करते हैं। फूड फॉर लाइफ ये इस्कॉन का एक कार्यक्रम है, उसके तहत बांटते हैं हम, तो प्रभु का कीर्तन का आनंद लेते हैं और सबको इस श्री कृष्ण समायोग जो चल रहा है उसमें जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। बताइए प्रभु के साथ जुड़िए और आपके दुखों का अंत अभी हो सकता है जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे। और इसकी शुरुआत हम प्रसाद से शुरू करते हैं, कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा होगा आपका मन। जैसे ही प्रसाद अंदर जाएगा कृष्ण भक्ति अपने आप निकलेगी, इसलिए हमें प्रसाद का वितरण हर शनिवार को और रविवार को हम करते हैं। हरे कृष्ण।